guys, right now I'm getting ready for the market, which is Shani Bazaar. Shani Bazaar, jo local street wala market rehta hai, wo market hai. Main wahan pe ja rahi hoon. It's in Janakpuri, and jo jo cheeze main wahan se laungi, wo aap logon ke saath main zarur share karungi. Bahut achhi achhi cheeze, achhi quality ki cheeze aapko reasonable rate mein mil jati hai, aur bahut sari variety bhi mil jati hai, jo mere native town mein nahi milegi, wo yahan pe milegi. So yes, I'm too excited to go there and buy a few products and show it to you. So stay tuned. So hey guys, different setting hai, different lighting hai, sab kuch different hai. और मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये at the background है. अगर आपको पसंद आया होगा तो like ठोक देना. Okay, so as I told you earlier that I went to Shani Bazaar, that is Saturday Market of Janakpuri. So everybody who lives in Delhi or West Delhi or in Janakpuri, everybody knows ki Janakpuri ka jo Saturday Market hai, wo kya hai. Ji haan, har cheez yahan pe milti hai, chahe aapke ghar ke cheeze hon, grocery ki cheeze hon, vegetables hon, fruits hon, wo sab to cheeze wahan pe mandi area mein rehti hai. Plus jo ghar se related cheeze hain, decorative cheeze hain, ya fir bed शीट्स हैं या फिर क्रॉकरी है और भी बहुत सारी चीज़ें और आपके पर्सनल जो चीज़ें आपको चाहिए जैसे कि क्लोथ्स हो गए या फिर इयररिंग्स हो गई या बैंगल्स हो गए नेकलेसेस हो गए सेट हो गए हैंडबैग्स हो गए पर्सेस हो गए क्लचेस हो गए शूज़ हो गए सैंडल्स हो गए ब्रेलीज हो गए कोई भी टाइप की चीज़ आप वहाँ पर जाके परचेज कर सकते हैं कोई भी वहाँ पर चीज़ आपको मिल सकती है और इस इतनी रीजनेबल रेट में रहेगी वहाँ पे. एक्चुअली ये सारे जो होते हैं बहुत सारी दुकानें वहाँ पे ऐसी हैं जो कि जिनकी बहुत अच्छी बड़ी बड़ी दुकानें हैं लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग वो वहाँ पे रोड साइड एरिया में लगाते हैं अपने छोटे छोटे स्टॉल्स ताकि अगर आपको वहाँ पे चीज़ पसंद आए तो अपना विजिटिंग कार्ड दे देंगे आपको और अपने शॉप पे बुलाएंगे और बहुत ब्रांडेड शोरूम्स के भी वहाँ पे अच्छे खासे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे रहते हैं अगर आपको चीज़ें पसंद आई तो आप उनके बड़े वाले शॉप्स में भी जाके परचेजिंग कर सकते हैं. तो मैंने भी आज ऐसी बहुत प्यारी सी चीज़ें खरीदी हुई हैं आप सब लोगों के लिए दिखाने के लिए कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. मैं हर साल आती हूँ दिल्ली और हर साल वहाँ पे शॉपिंग करती हूँ बहुत सारी ढेर सारी शॉपिंग करती हूँ और आज मैं टोटली एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ. शायद मेरे चेहरे से भी दिख रहा होगा क्योंकि दो तीन घंटों से मैं वहाँ पर शॉपिंग कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं हर चीज़ आपको थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल में जाके ही देखना पड़ता है तब वो चीज़ें आपको मिलती हैं. तो हाँ बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे सैटरडे मार्केट की परचेजिंग जनकपुरी दिल्ली. ओके सो गाइस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं. सबसे पहला जो परचेज था वो ये प्यारा सा हैंडबैग था. जी हाँ इतना सुंदर है हैंडबैग ये अगर आप देख रहे हो तो इतना कलरफुल इसमें बहुत सारे कलर्स थे गोल्डन था सिल्वर था ये मुझे बहुत ही प्यारा और अपीलिंग लगा. इसका जो फ्रंट एरिया है कुछ इस तरीके से है आप देख सकते हो और प्लस इसमें स्लिंग दी है तो नेचुरली अगर आपको सिर्फ हैंडबैग या क्लच टाइप यूज़ करना है तो यू कैन जस्ट यूज़ इट लाइक दिस और यू कैन कैरी इट विद द हेल्प ऑफ योर स्लिंग सो इट जस्ट लुक्स सो नाइस. इसके अंदर यहाँ पर ये एक कंपार्टमेंट है अंदर क्यों कूड़ा भर देते हैं ये एक कंपार्टमेंट है और प्लस एक जिप है तो अगर आपके एसेंशियल्स हैं या फिर वैल्यूएबल आइटम्स हैं वो यहाँ पे आप जिप में डाल सकते हो. और इसकी जो कॉस्ट है कितनी होगी इसकी कॉस्ट और बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी भी लग रहा है और इसकी जस्ट इमेजिन इसकी कॉस्ट कितनी होगी. दिस इज़ जस्ट फॉर 200 रुपीज़. येस इट इज़ जस्ट फॉर 200 रुपीज़. तो इस टाइप के बहुत सारे वहाँ पे हैंडबैग्स थे बड़े थे छोटे थे और भी छोटे थे क्लच टाइप का भी था इस मटेरियल में और इस थ्रेड वर्क में. इफ यू कैन सी इट क्लियरली थोड़ा सा मैं क्लोजअप आपको दिखा देती हूँ ये थ्रेड वर्क किया हुआ है. जो बेस है वो गोल्डन और मतलब बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं है लेकिन क्रीमिश गोल्डन में है और उसके ऊपर ये कलरफुल थ्रेड वर्क किया हुआ है. तो नेक्स्ट परचेज जो मैंने किया था ये प्यारा सा इतना छोटू सा ये एक पर्स है और ये देखो इसके अंदर इस तरीके का छोटा सा जिप भी दिया हुआ है और कंपार्टमेंट्स भी हैं चिल्लर विल्लर कुछ आइटम रखने के लिए और प्यारा सा है ये. मैंने मिनीसो में देखा था कुछ 200-250 रुपए में एंड आई जस्ट गॉट इट फॉर 100 रुपीज़. और क्वालिटी थोड़ी बहुत मैटर कर सकती है लेकिन ये बहुत ही प्यारा है और छोटू सा मरमेड भी बना हुआ है इसके. आफ्टर बोथ ऑफ दीज पर्सेस आई ऑल्सो गॉट दिस टाइप ऑफ पर्स. ये मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए थी क्योंकि ये बहुत ही प्यारा है इसमें आप कार्ड्स रख सकते हैं इस एरिया में आप कार्ड्स रख सकते हैं और भी कुछ रख सकते हैं
और नेक्स्ट है इसके अंदर एक ऐसे जिप भी दी हुई है और जिप के साथ में यहाँ पे और एक और यहाँ पे कंपार्टमेंट है, यहाँ पे भी कंपार्टमेंट, यहाँ पे भी कंपार्टमेंट है। अगर इस तरीके का आपको हैंडल लगाना है तो यू कैन अटैच दिस ऑल्सो। जिप भी है बीच में, अगर आपको कुछ एसेंशियल्स रखने हैं तो यू कैन कीप इट इनसाइड ऑल्सो लाइक दिस। ओके सो यहाँ पे तो आई गॉट दिस फॉर, कैन यू टेल मी, जस्ट 150 rupees। जी हाँ, दिस has come in just 150 rupees। ज़्यादा कोई cost है नहीं इसकी और बहुत ही प्यारा सा इसका पूरा look है, बहुत ही classy भी दिखता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये just costed about 150 rupees। I am just blown over this market. Every time I come over here, I just visit Saturday market, then I visit Sarojini market, Karol Baghs and so on. But राइट नाउ, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम की क्राइसिस है तो इसलिए मैंने और अभी एक्सप्लोर कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हाँ शनि बाज़ार क्योंकि घर से पास भी है और जी हाँ बचपन से मैं यहाँ आ रही हूँ तो यस इट इज़ क्वाइट क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो। ओके सो नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट इज लाइक आई ऑलवेज गेट दिस टाइप ऑफ पजामाज और ये जस्ट कॉस्टेड मी अराउंड 150 rupees और ये भी 150 का इसका ऊपर का टॉप है ये भी एंड दिस होल सेट फॉर अबाउट 300 rupees 300 rupees। और ये घर में आप सो सकते हो, ये अगर आप बाज़ार में जाते हो तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये सब बाज़ार की ही चीज़ें हैं, जो शॉप्स की ही चीज़ें रहती हैं लेकिन वो कभी कभी नहीं सेल होती हैं तो वहाँ पे वो लोग अपना सेल में निकालते हैं आइटम्स जो शॉपकीपर्स रहते हैं और ये इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो सेट है वो अगर आप मार्केट में जाओगे, शॉप में जाओगे तो अबाउ 1000 कॉस्ट करता है। सेम मटेरियल है, होजरी का मटेरियल है और यहाँ पे आपको ये जो पेयर है वो आपको 300 में मिल गया। एसेंशियल चीज़ आपके साथ में शेयर करती हूँ जो कि हाउस से रिलेटेड या फिर किचन से रिलेटेड है। जी हाँ, एप्रन्स, एप्रन्स लिए मैंने यहाँ पे। मुझे एक्चुअल में प्लास्टिक का एप्रन चाहिए था जो पीछे से प्लास्टिक रहे ताकि आप अगर ऐसे लगा भी रहे हो ना तो भी आपके ऊपर अगर पानी या कुछ गिरता भी है तो वो प्लास्टिक की वजह से आपके कपड़ों पर नहीं लगता। तो ये भी मैंने दो लिए हैं और ये दोनों की कॉस्ट आई है मुझको 150 मुझे ये दोनों मिले हैं तो क्वाइट मतलब इट्स अ बिग डील। 150 में दो, वाओ, क्या चाहिए और, चार पांच और ले लेते। एनी वेज, नाउ शिफ्टिंग बैक टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर विच आई ऑलवेज विजिट शनि बाज़ार, यस द ज्वेलरी आइटम एंड द चप्पल और शूज आइटम। सो लेट मी शो यू, क्या देखोगे पहले आप, क्या देखोगे। तीन सेट ऑफ फुटवेयर्स लिए हुए हैं और ये प्यारा सा फर्स्ट जोड़ी है, ये पहली वाली जोड़ी मैं आपको दिखाऊंगी। इसका पीछे का सोल कुछ इस तरीके से है और इसका जो ये है पूरा मखमल का बना हुआ है और अच्छे से शिमरी सा इसका पैटर्न है, लुक है। और सेकंड मेरा परचेज है इस तरीके के लोफर्स, बहुत ही प्यारे लोफर्स हैं और कलर भी बहुत ही प्रिटी सा कलर है, पिंक शेड है। मेरे पास पिंक ऐसा नहीं था तो आई जस्ट बॉट दिस फॉर माई सेल्फ, सो यस आई एम इन लव विद दिस। जो लास्ट परचेज है वो ये प्यारा सा मोजड़ी या कुछ आप ऐसे इस टाइप का बोल लो जूती, बहुत ही प्यारा पॉम पॉम भी लगा हुआ है और वुडन फिनिश आती है और बहुत ही प्यारा सा लुक है इसका, आप देखोगे आई एम इन लव विद दिस, आई एम श्योरली गोइंग टू वेयर इट मोर ऑफन। ओके गाइस, सो नेक्स्ट परचेज मेरा है जिसके वजह से मैं हमेशा कोई भी मार्केट जाती हूँ वो है इयररिंग्स। ये इयररिंग्स तो यहाँ से नहीं लिए हैं लेकिन जो मैंने इयररिंग्स लिए, एक्चुअली मुझे बहुत सारे इयररिंग्स लेने थे मैं नहीं ले पाई हूँ, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट था, जल्दी से आना भी था, लेकिन मेरे जो परचेजेस हैं मैंने इयररिंग्स के अलावा इस बार रिंग्स लिए हुए हैं, फिंगर रिंग्स लिए हुए हैं, वो ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। अभी एट प्रेजेंट मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ प्यारे से इयररिंग्स जो एक्चुअल में मैंने खरीदे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दीज पीसेस, ओह माय गॉड, aren't they looking beautiful? Also this type of jhumka I have got, see, and also this type of earrings, so pretty, aren't they? और ये जो है पीस वो 100 का आया है और रेस्ट ऑफ दीज पीसेस आर ऑफ 150 rupees। Guys, I also got this beautiful सा नेक पीस, प्यारा सा सिल्वर मेटल का ये नेक पीस पहनों के बहुत सुंदर दिख रहा है और एकदम ही लाइट वेट है एंड जस्ट कॉस्टेड मी अराउंड 100 rupees।
वाओ। इसके साथ में मैंने कुछ रिंग्स लिए हैं, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर रिंग्स हैं यहाँ पे मेरे पास में, और मैं अगर आपको ऐसे दिखाती हूँ, सो ये हैं मेरे रिंग्स। ओके, एक और पीस है ये ऐसा वाला रिंग, और मुझे एक और बड़ा प्यारा सा क्रिस्टलाइज्ड रिंग भी दिखा है जो कि मैं यहाँ पे पहन रही हूँ, और ये बहुत ही प्यारा सा रिंग है। और एक और है जो ये, सो यस, ऑल ऑफ दीज आर ब्यूटिफुल से रिंग्स, तो मुझे बहुत प्यारे लगे। एक्चुअल में इनकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, और इनकी जो रेट था इनका 50-50 रुपीज़ ईच हैं ये, और मुझे बहुत अच्छे लगे। So yes, all of these are the things which I had got today from Shani Bazaar या फिर Saturday Market as we all know. अगर आपको ये haul video पसंद आया होगा तो एक like ज़रूर दे दीजिएगा। जनकपुरी में रहते हो या फिर दिल्ली में रहते हो तो like ज़रूर दे देना, और साथ में share कर देना इस video को, comment down कर देना कि कौन सा piece इसमें से आपको सबसे favorite लगा। बहुत से लोग हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, हॉल वीडियोस आने वाले हैं, तो ज़रूर से बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, और अगले वीडियो आने तक बाय, टेक केयर।